होने का डर और जिंदगी भर का कर्ज। जी हाँ दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब आप जो है ना बड़ा करना चाहते हैं, तो आपके पास 2-3 लाख के कर्जे होने चाहिए। अगर आप जितने इस दुनिया में कामयाब लोग हैं, उनके पास लोन है, सीसी अकाउंट है, और बैंक से बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉल के लिए उन्होंने लोन ले रखा है, और वो लोन जब खत्म हो जाती है, तब वो उसका प्रॉपर्टी हो जाता है, और उससे वो जीवन भर पैसा आता है, उससे वो करोड़पति बन जाता है। ये जो टिप्स है मैं आपको समझाता हूँ। जब आपके पास 2,000 कहीं किस्ती भरना होता है, जब 10,000 किस्ती भरना होता है किसी मोटरसाइकिल के लिए, किसी गाड़ी के लिए, तो ये दिमाग खुद प्लानिंग करता है। ये दिमाग जो है ना घर से निकलना चालू करता है। वो व्यक्ति खुद अपना स्ट्रेटेजी तैयार करता है। अंदर से जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके ऊपर फोकस होता है। उसे बहाना बनाने का समय नहीं मिलता। और जिसके पास महीने इंस्टॉलमेंट भरना होता है, जिसके सर पे कर्जा होता है, वही एक दिन कामयाब और कमाने वाला लीडर बनता है। जो व्यक्ति कर्जा से डरता है, वो जिंदगी भर कर्ज से दबा होता है। जो व्यक्ति कर्जे लेने में डरता है, वो व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता है। इस दुनिया का इतिहास है जितने करोड़पति उनके अकाउंट में लोन है, और वो लोन क्लियर हो जाता है। जैसे मैंने मोटरसाइकिल लिया, लोन खत्म हो गई, मोटरसाइकिल मेरा हो गया। फिर मैंने बोलेरो लिया, लोन खत्म हो गई, उसके बाद बोलेरो मेरा हो गया। फिर मैंने फॉर्चूनर लिया, लोन खत्म हो गई, फॉर्चूनर मेरा हो गया। फिर बीवी के लिए मैंने एक क्रेटा लिया, लोन खत्म हो गई, वो क्रेटा मेरा हो गया। अभी सारे गाड़ी मेरे पास है। इसके साथ मैंने घर का लोन लिया, लोन खत्म हो गया, अब मेरे पास 3 से 4 करोड़ का बंगला है। अब मेरे पास रिसोर्ट बनाने का लोन ले रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगी। ये सारे मेरे अपने होंगे, करोड़पति बन गए। आपके पास ये जिम्मेदारी जब होगी, तभी आप करोड़पति बन सकते हैं। लाइफ में कामयाब और कमाने वाला लीडर बनने के लिए आज से ये स्ट्रेटेजी अपनाना चालू कर दीजिए, तभी आप कामयाब और कमाने वाला लीडर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों छाता और माथा, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये माथा और छाता, ये दोनों खुलने के बाद काम आता है। अगर ये खुलेगा नहीं तो काम आएगा नहीं, इसलिए छाता और माथा दोनों खुलने के बाद काम आता है। ये जो छाता देख रहे हैं ना, और ये जो माथा देख रहे हैं ना, ये जब खुलेगा, जब लोन लेंगे, ये वर्क तब करेगा जब जिम्मेदारी होगी, तब ऐसे बड़े टॉप लेवल को ले पाएंगे। ये दुनिया का एक मान सम्मान तब मिलेगी जब आप इतिहास रचने के लिए, आपके ऊपर ये माथा खुलेगा और ये छाता खुला रहेगा। जिंदगी में आपकी ताकत और मेहनत के सामने किस्मत की औकात नहीं है कि आपको रोक दे। लोग बोलते हैं किस्मत होगा तब एक बढ़ेंगे। नहीं दोस्तों, आपकी जो मेहनत है और आपकी जो ताकत है, उसके आगे किस्मत की कोई औकात नहीं है। इसलिए आज के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, एक जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि आपका वाय और हाउ क्लियर हो जाए तो आप ही सिकंदर बनेंगे। दर्द, गम, डर जो भी है, वो तो आपके अंदर है। खुद के बनाए हुए एक पिंजरा से कैद हैं, उससे बाहर निकल के देखो, तू भी एक सिकंदर है। हाँ दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, जोश के साथ जुनून का होना जरूरी है, जोश के साथ होश का होना जरूरी है, जोश के साथ अभ्यास का होना जरूरी है, जोश के साथ ईमानदारी, आपकी कामयाबी कदम चूमेगी। धन्यवाद।